अच्छा लगा होगा। उसके अंदर हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो था। हम मेक श्योर करेंगे आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसा कुछ रिपीट ना करें। तो आज हम रिव्यू करने आए हैं FZ25 यामाहा की FZ25, जो कि आजकल का बहुत अच्छा मॉडल जो चल रहा है आजकल। तो इसके लुक्स के बारे में बस ही आपको बताएंगे। हाय गाइस, सो मैं आपको इसके लुक्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम हेडलैम्प। इसका हेडलैम्प एकदम अग्रेसिव लुक दे रहा है एंड इट हैज LED लैम्प्स। सो लेट्स गो टू टेल लैम्प। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस FZ16 में छोटा सा लैम्प था, बट FZ25 जो कि 2018 की न्यू बाइक है, सो यहाँ पर टोटली LED लैम्प दिया है, जो कि बहुत ही प्यारा सा लुक दे रहा है। एंड कम टू इंजन, सो इसके इंजन के बारे में, इट्स अ पावरफुल इंजन, 249cc का है, जो कि बहुत ही पावरफुल बना देता है इस बाइक को। एंड इसका एग्जॉस्ट मिड स्लिप एग्जॉस्ट है इसका, जो कि बहुत ही स्लाइट लुक दे रहा है। एंड इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आज ही विल दे यू। थैंक यू। सो बस तो जैसे कि मैं स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँगा इस गाड़ी की, स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। तो इंजन इसके अंदर है 249cc का इंजन है। तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा, इसके अंदर पावर रहेगा आपको 20.9 PS का पावर रहेगा एट द मैक्सिमम RPM ऑफ 8000। उसके बाद आपको 20 Nm का टॉर्क रहेगा। 20 Nm का टॉर्क जो है आपको 6000 RPM पे रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है टोटली, और इसके अंदर 2 valves है। मुझे एक डाउट छोटा सा पड़ रहा था, ये इतनी हाई CC की बाइक होने के बाद, मतलब इंडियन रोड्स की हाई CC बाइक होने के बाद, इसके अंदर 2 valves क्यों दिया गया है? जैसे कि हो गया R15, उसके अंदर आपको दिया जाता है 4 valves दिए गए, इसके अंदर 2 valves दिए गए हैं। कंपनी वालों ने कुछ ना कुछ सोचा होगा इसके पीछे, शायद इसलिए 2 valves दे दिए, वो कंपनी वाले जानते हो आप। नेक्स्ट चलते हैं इसके टायर्स पे। इसके टायर का अगर स्पेसिफिकेशन दूँ मैं, तो इट्स सेम एज R15 है, कुछ डिफरेंस नहीं है। आपको सामने का टायर मिल जाएगा 100x80x17, तो पीछे का टायर है 140x70x17। देन कमिंग टू इस डिस्क ब्रेक, तो डिस्क ब्रेक में हो गया, ये है 220mm का डिस्क ब्रेक विथ ए सिंगल कैलिपर विथ ए सिंगल पिस्टन इन इट। तो चलते हैं आगे बढ़े डिस्क ब्रेक, ये है 282mm का डिस्क। देन इसके अंदर भी सिंगल कैलिपर है विथ ए डबल पिस्टन इन इट, क्योंकि जनरली इसका मैं बताना चाहूँगा, मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बोला था, तो जनरली सामने वाले उसमें बड़ा डिस्क और ब्रेक विथ मतलब कैलिपर विथ डबल पिस्टन इसलिए देते हैं। जनरली बाइक्स का वेट अगर देखा जाए, आप कभी मेन स्टैंड पर अगर बाइक खड़ी करते हैं तो बाइक सामने की तरफ छुपी रहती है, क्यों? क्योंकि इंजन का वेट जो है सामने ही ज़्यादा रहता है। तो सामने ज़्यादा रहने पर क्या होता है, सामने का टायर ज़्यादा ग्रिप पकड़ता है ब्रेक मारने पर, तो ज़्यादा मतलब उसका जनरली आप समझिए कि 70:30 का रेशियो रहता है। सामने की ब्रेक 70% काम करती है तो पीछे 30% काम करती है। वही अगर पीछे बड़ा डिस्क दे दिया हो तो पीछे कुछ वजन नहीं रहेगा, ठीक है, ब्रेक मारने पर गाड़ी स्पीड होने के चांसेस रहेंगे। उसके पीछे जनरली टेक्निकल टर्म्स ये होता है इन जनरल। हम लोग स्टार्ट करते हैं हैंडल से। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको सिंगल एक ही रॉड मिलेगा हैंडल पर, इसके अंदर स्प्लिट हैंडल नहीं है। तो कमिंग टू द एक्सीलरेटर पॉइंट, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 एक्सीलरेटर वायर्स हैं जो कि एट ए टाइम एक ही काम करता है। पहले एक आपको सर्टेन RPM तक काम करेगा, फिर सेकंड वाला जो है, पहला वाला जब बंद कर देगा काम करना, सेकंड वाला उस टाइम पे शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इंजन का किल स्विच है, ठीक है, स्टार्ट बटन है,
हॉर्न का बटन है, इंडिकेटर का है, और इसमें भी पास बटन नहीं दिया गया है। इसके अंदर आप देखो लो बीम में, हाई बीम में, तो यहाँ पर पास बटन ये डायरेक्टली लो बीम के बाद जो है पास बटन जो कि हाई बीम रहेगा। तो आगे की तरफ चलते हैं, तो सामने आपको हेडलाइट के अंदर जो एलईडीज दी गई हैं 12 वोल्ट्स की एलईडीज हैं ये, और बड़ा कूल और स्वीट सा ना छोटा सा विंडशील्ड दे रखा है गाड़ी पे, और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट बैठ जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं तो ये जो ऊपर है, ऊपर वाला हिस्सा हेडलाइट का, ये लो बीम है और ये हाई बीम है, और दोनों भी एलईडी रहेंगे आपको। और ये जो पार्किंग लाइट है और नॉर्मल बल्ब येलो वाला दिया जाएगा, और इसके लिए मैं चाहूँगा हाँ फ्लेक्सिबल है पर बोल नहीं सकते गिरने पर शायद टूट जाए या ना टूटे बोल नहीं सकते। और इसका जो डिज़ाइन मैंने देखा सच्ची में मतलब यामाहा की गाड़ियाँ भागने में उनका जो डिज़ाइन होता है बनाया जाता है ना सिर्फ भागने के लिए, भगाने के लिए, गाड़ी भगाने के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर देखिए आपको एयर पास होने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं ना जो कि बाइक को बहुत फास्ट बनाती है। पहले तो ये टैंक के पास जो ये कवर दिया हुआ है एक्स्ट्रा कवर, तो यहाँ से एयर पास होकर पिलियन सीट के पास भी छोटे से ग्रिल दे रखे हैं, छोटे छोटे गैप दे रखे हैं जहाँ से एयर पास होकर आपको बाहर निकल जाएगा। और एक छोटा सा डाउट मुझे ये लगा जब मैं इसके स्पेसिफिकेशंस पढ़ रहा था, उसके अंदर इसका लिखा हुआ है कि ये एयर कूल्ड इंजन है, तो जैसे मैंने इसको देखा जैसे ये पल्सर 220 में भी देखा जाता है और उसको लिक्विड कूल बोला जाता है, पर इसको क्यों नहीं लिक्विड कूल बोला मुझे वो थोड़ा सा डाउट है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए इसके अंदर भी सेम मैकेनिज्म है, यहाँ से इंजन से ऑयल जाएगा, इंजन से ऑयल जाके वहाँ पर जो मेश बना हुआ है वहाँ पर कूल होकर जब वहाँ से रिटर्न आएगा, रिटर्न आकर फिर वापस इंजन में यहाँ पर ठंडा होकर यहाँ पर चला जाएगा। सो जनरली इसको लिक्विड कूल बोलना चाहिए पता नहीं, पर इसके मीटर के अंदर भी आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं। आई एम सॉरी मैं बता नहीं सकता क्योंकि फिलहाल चाबी इस गाड़ी की मिल नहीं रही है, और इसके अंदर मैंने जनरली ऑप्शंस देखे हैं जहाँ तक मुझे थोड़े बहुत याद हैं, जैसे हो गया सेम R15 जैसे ये इसके अंदर एवरेज स्पीड बता देता है और आपको 100 किलोमीटर पर कितना पेट्रोल चाहिए वो बता देता है, टाइम बता देता है 10.32, ओडोमीटर बता देता है, टेकोमीटर बता देता है, स्पीडोमीटर बता देता है, फ्यूल क्या होता है फ्यूल इंडिकेशन भी बता देता है, और इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन का सिंबल बताएगा आपको, और क्या हो गया हाँ बस इतना ही। सो गाइस आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है लाइक हमारा ये सेकेंड वीडियो है अगर हमसे कुछ गलती हुई है सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ अगर आप हमको सपोर्ट करना चाह रहे हैं प्लीज़ हमको कुछ अच्छे से अच्छा सजेस्ट करें ताकि हम और हम इम्प्रूव कर सकें वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच।